में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज है 19 तारीख और आज है गणेश चतुर्थी। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं यक्षशाला मंदिर में और यक्षशाला मंदिर में ना मुंबई को पीछे छोड़ देने वाला गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि इसे सज कर पूरा तैयार कर दिया गया है। आप पिछली ब्लॉग में तो देख लिए होंगे कि फिलहाल गणपति जी को कैसे लाया गया था। नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है और किस तरह से प्रोग्राम का जो रखा गया है वो कैसा रखा गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं। और सामने में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन होगी, वहां जाके आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले आप देख लीजिए सामने से कुछ डेकोरेट किया गया है, आर्टिफिशियल फूल से इसे पूरे तरीके से सजाया गया है। तो अभी इसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं और पूरी तरह से आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से पूरे तरह के सजाया गया। सबसे पहले देख लीजिए आर्टिफिशियल फूल से पूरे मंदिर को जगमगा दिया गया है। दोस्तों अभी आ चुके हैं यक्षशाला मंदिर के अंदर और अंदर आने के बाद कुछ आपको कुछ देख सकते हैं, कुछ ऐसा डेकोरेट मिलेगा जो कि आर्टिफिशियल फूल से फिलहाल इसे पूरी तरह से सामने से सजा दिया गया है, जो कि आप सामने आके फोटो सेल्फी उल्फी आराम से ले सकते हैं। जो कि अभी लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और अपना फ़ोटो सेल्फी कैमरे में कैद कर रहे हैं। बस मैं चलूँ अंदर और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए कुछ अंदर से फिलहाल दो बैरिकेड किया गया है। अभी अंदर आ चुके हैं, अंदर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके बांस का घेरा लगा दिया गया है। फिलहाल उधर भी है, इधर भी है, वहां पर भी लगा दिया गया है। स्टेज वहां पर है, स्टेज से जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इधर फिलहाल महिलाएं होंगे, इधर पुरुष होंगे, ठीक ना, उधर महिला इधर पुरुष, जो कि सभी के हाथ में एक दीपक रहेगा। देखिए महाआरती के लिए दीपक का कूपन मिलता है, आपको उसे कटाना पड़ेगा, फिलहाल ये कूपन रहता है, ठीक ना। और इधर से पुरुष इंटर कर सकेंगे, देख सकते हैं कि लार्जेस्ट स्पेस मिल रहा है आपको, ठीक ना, पूरा एकदम स्पेस है। इसमें में फिलहाल आरती होना है, जो कि आप इस जगह पर फिलहाल देख सकते हैं रखा। अभी हम लोग फिलहाल आ चुके हैं स्टेज के पास, स्टेज के ऊपर में है, स्टेज के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जो कि आपको सामने में देख लीजिए। फिलहाल इधर महिला रहने वाले हैं, इधर पुरुष रहने वाले हैं और सभी के हाथ में वो ऐसा दीपक रहेगा, ठीक ना, जो कि इसका कूपन चार्ज लगता है और सभी को अंदर आने दिया जाता है और गणेश जी का महाआरती होता है। और इधर साउंड सिस्टम, स्टेज का देखिए क्या रंग रूप लग रहा है, आप देख सकते हैं। फिलहाल गणपति जी विराजमान हो चुके हैं अपने सीट पर और देख लीजिए क्या ही लुक लग रहा है गणपति जी का फिलहाल। और पीछे में क्या डेकोर लाइटिंग देखिए क्या ही भव्य लग रहा है, पूरा झूमर उमर लगाया गया है। सामने फिलहाल लाइटिंग होना है जो कि भव्य लगेगा। फिलहाल ये सब चलना है, अभी फिलहाल लाइन नहीं है इसीलिए कुछ इस तरह आपको दिख रहा है। देख लीजिए क्या ही सामने में गणपति और सामने में फिलहाल श्रद्धालु से उमड़ा पड़ा रहेगा ये शाम के समय और सबके हाथों में एक दीपक रहेगा। तो आपको गणेश चतुर्थी का फिलहाल इस तरह से डेकोरेशन किया गया था वो फुल तरीके से दिखा दिए। शाम की आरती नहीं दिखा सके क्योंकि भाई फिलहाल मेरा एग्जाम है और मैं फाइनली आज कटिहार से हम रवाना हो चुके जाने, इसीलिए नहीं तो आपको रात तक का परफॉर्मेंस तक दिखाते, लेकिन कोई बात नहीं, कभी और आएंगे तो दिखाएंगे। तो चलो आपका भाई मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।